पांच बजे निकलने ले कह रहा था झंझाता रास्ते में नदी भी है आपको जरूर डालूंगा व्लॉग में। ये बाइक पे हमारे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं मस्त। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यार फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और अब हमारी राइड होने वाली है शुरू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 6:30 हो रहे हैं। तो भाई सामान वगैरह बन रहा है बाइक पे। फाइनली यार हिमाचल जा रहे हैं अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी में। बाइकें हमारी पूरी रेडी खड़ी है यहाँ पे। ये रही अपनी ब्यूटी CBR और वो रही दिस वन R15। तो भाई अपना फुल बैग बन रहा है फुल टाइट होके। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रास्ते में। हाँ जी भैया मॉर्निंग। थैंक यू। ओके। तो अपनी R15 भाई साहब पूरी लोडेड हो चुकी है इस टाइम। पूरी R6 वाली फीलिंग आ रही है इस बाइक के साथ। और नानी बाय बाय। थैंक यू भाई। यो ब्रदर। चले भाई रोहित भाई रेडी टू राइड। 6:30 बज गए। हमें 5:30 करीब निकलना था। तो वो ये यार हर बार लेट हो जाते हैं। हाँ कौन सा चश्मा? नहीं चश्मे जरूरत नहीं है, ठंड का टाइम है। चलो ठीक है मम्मी है ना। तो चलते हैं भोले बाबा का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके और मेरी बाइक कह रही पूरी। तो अब मैं रस्ते में मिलता हूँ आपसे। तो यार अभी ये रहा गुरुद्वारा और टाइम हो गया 6:40 के ऊपर हो गए, 6:42 हो गए। और यहाँ से अब हमारी जो जर्नी है वो 450 किलोमीटर के आसपास है। और ये अपने CBR में बंदे मेरा भाई है रोहित। बाहर हाईवे पे जाने के लिए अंदर से होते हुए जाना पड़ रहा है। ये अभी जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये अभी भी वो चल ही रहा है। तो हाईवे पे पूरा रास्ता बंद रहता है तो हमें थोड़ा अंदर गांव से होते हुए बाहर हाईवे पे निकलना पड़ता है। मेरे हाथ पूरे सूख हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। थोड़ा अंदर गाँव में आके अच्छा लगा, नहीं तो हाईवे पे इस टाइम कोहरा और ठंड। लेकिन इसी का तो मज़ा है यार, विंटर में राइड करने का मज़ा ही अलग है। सच में विंटर की राइड का भी एक अलग ही मज़ा है यार। स्वेटर तूने डाला है यार, ना पूरी हालत खराब हो चुकी है मेरी। ठंड इतनी ज्यादा है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे हाथ वाथ सुन हो चुके हैं। मैं ना बाइक का इंजन फोड़ूंगा, हाथ से थोड़े इंजन। ओहो आनंद आया भाई, जन्नत मिल गई कसम से यार। ओहो सूरज देवता बाहर हट जाओ दिखा दे यार। अरे यार सूरज जी आप कहाँ पर हो, इतनी देर बाद दिखाई दे रहे हो। 5 बजे निकलने ले कह रहा था, झंझाता रास्ते में। थोड़ी देर हम सोचे कुछ चाय वाय पीले कहीं पे रुक के। ओए रोहित ये पता भाई कहीं पे चाय पिए खोके पे रुक के आराम से 10 मिनट है। सूरज देवता आप कहाँ थे इतनी देर से, आपको देख रहा था, अब चाय के बाहर आए हो। भाई मैं कह रहा हूँ दलित हिमाचल ना, मैं कह रहा हूँ अंधेरा होने से पहले पहुँचेंगे भाई, नहीं तो जम जाएंगे रास्ते में। है रोहित चलो यार चलते हैं, चलो यार निकलते हैं, बाइक थोड़ी खींचते हैं। 5 मिनट के लिए रुके थे यहाँ पे कुछ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, अब बाइक खींचेंगे। यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, यहाँ सही है यहाँ बैठ लेते हैं। हाँ हाँ धूप ही सेकी यार, ठंडी थी। तो बाइक हमने अपनी यहाँ पे लगा दी प्रॉपर और कुछ खा के निकलेंगे, ठीक है ना, कुछ खाते हैं। भाई
अभी रेस्टोरेंट में यहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे कुछ हम ब्रेड पकौड़े वगैरह खाएंगे। तो यार मयंक यार तेरे को इतना मिस कर रहे हैं ना यार, रोहित अपना मयंक यार, मयंक हमारा फ्रेंड नहीं आ पाया मयंक यार, मैं सच होता और मोजो दोनों को मिस हम मयंक को तो मिस कर रहे हैं, उसकी बाइक को भी मिस कर रहे हैं। हाँ भाऊ आऊ दा हाँ अभी हमें फुलके बिच खाना है हिमाचली, मेरा रोहित में हिमाचली भाषा में बात कर रहा है। ओ मुन्नू अभी पहुंच रही है ये रहा भाई जिसके हम घर जा रहे हैं। तो यार अभी कुछ खाते हैं यहाँ पे, और भूख लग रही है सुबह से। हम काम निकले हैं अपने घर से 6:30 बजे निकल गए हैं, तो अभी हमने पहला स्टॉप किया है करना। और ठंड यार इतनी थी ना सुबह, इतनी ज़्यादा ठंड थी, बट इस टाइम ना धूप सेक रहे कर रहे फोन पे। मैं यार क्लासेस क्या बोल दूँ भाई, यार जल्दी निकल गए हैं, बच्चों को होमवर्क दे रहा हूँ। ओहो भाई ठंड भी है लेकिन राइड करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना यार, ऑनेस्टली मज़ा आ गया। तो भाई मैंने तो अपने लिए सैंडविच मंगवाया, और मेरे भाई ने आलू का पराठा, और अपनी ये चाय वगैरह हम पियेंगे। रोहित भाई और कुछ भी मंगवाया आपने? अच्छा मज़ा आ गया ठंडी हुई है क्या? नहीं नहीं हाथ धो रहा हूँ कह रहे चाय ठंडी हो गई बाइक वगैरह। अब हम कपड़े वगैरह जैकेट वगैरह पहनते हैं और चलते हैं फिर से। रोहित तू चला रहे अब सीवीआर, इसकी ब्रेक का ध्यान रखियो, थोड़ी ब्रेक कम है ठीक है ना? तो मैं पहले बता रहा हूँ ब्रेक कम है इसकी, तो यार सीवीआर की थोड़ी ना ब्रेक वगैरह कम है, तो अभी चलते हैं। इस टाइम जूस पीने ले रुके हैं रोहित भाई, जूस पीने ना यो हम पूरा यार एंजॉय करते हुए जा रहे हैं आराम से, यहाँ पे लेट हुए थे। असली मजा मंजिल का नहीं सफर का होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हिमाचल पहुंच ही जाएंगे अपने फ्रेंड के घर पे, और कोई ऐसा भी नहीं कि बाइक पकानी है जल्दी जाना है, आराम से अपना मस्त चल जाए यार। कभी भी आप ही राइड करो तो बाइक को ना स्ट्रेस मत दो यार, हम घूमने निकलते तो इसको एंजॉय करने निकलते ना यार। हाँ नंगल डैम है तो अभी हम डैम के पास है, और ये सारा पानी स्टोर होता है इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे। पहले मैं 2016 में बाइक से आया, फिर उसके बाद 2017 में मैं गाड़ी से आया, और अब 2021 में मैं फिर से बाइक से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसा लगाव सा हुई है कि ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही जा रहे हैं, या एक होती है ना वो वाली फीलिंग कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो यार यहाँ पे वो वाली फीलिंग आती है सच में यार। तो यार अभी नंगल डैम पे रुके हैं, और भैया के पास हम छोले कुलचे खाएंगे। 350 किलोमीटर हम बाइक चला चुके हैं, तो अभी भूख भी लग रही है, ये हमें छोले कुलचे खिला रहे हैं। तो तरुण भाई, तरुण खाने ना भाई। हाँ भाई खाने के लिए रुके, हाँ ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर है। अरे क्या बात है, नाम क्या भी आपका? नंदन तो आपको
पंजाब आपको जरूर डालूंगा व्लॉग में। छोले कुलचे खिला रहे हैं हमारे भैया, बढ़िया खिलाओगे ना? अरे चलो ठीक है, क्या बात है भैया, हमें छोले कुलचे टिक्की वगैरह लगा के खा लेता हूं, दूसरे की मेकिंग देखते रहे। ये देखते रहे, मैं भी खा ले, रोड में लेट गया था। यार मैं इनको इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये वाले छोले कुलचे खाने, छोले भाई बंदे रुके नहीं रहे, कह रहे यार अब देखो कैसे खा रहे भाई। मैं पानी आ रहा है, मैं खाऊंगा फिर मैं आपसे बात करता हूँ यार। तो भी यार छोले कुलचे यहाँ की जरूर इंजॉय करेंगे यार। अभी भाई चाय पीने मंग कर रहा है, ऊपर पहाड़ों में पिए, ऊपर पहाड़ों में चाय मिलती है भैया? पहली बार पहाड़। अच्छा तो यार छोले कुलचे खा लिए, थोड़ा अब पेट में आराम आया, मजा आया। चले भाई अब चले, पक्की बात है तो चलते हैं, रास्ते में मिलता हूँ मैं। है 100 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों पे टाइम लग जाए ना। चलो यार चलते हैं ना। तो बढ़िया छोले उलचे खिलाए भैया ने, और ओके ब्रदर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, चलो ओके। इस टाइम भाई बढ़िया प्लेस पे रुके हम पहाड़ों में चाय पीने के लिए। तो ये रही अपनी चाय। अबे चाय इधर है क्या? मुझे लगा भाई नहीं चाय आ गई। रही तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? हमारे अंकल ने बढ़िया चाय बनाई है, अभी हमने टेस्ट भी करी। हाँ हाँ कोई नहीं, पीते हैं। सुबह ही हमने चाय पी थी, उसके बाद अब पी रहे, शाम हो गई है। वरना अब तक तो भाई हमारा 10 बार दूध चाय पी लेता। ये बाइक पे हमारे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं मस्त, और बढ़िया जगह यार यहाँ पे, हम जहाँ पे रुके घासों में आराम से बैठेंगे थोड़ी देर, लेस वगैरह ले लिए। रोहित भाई राइड कैसी चल रही है? आ रहा है मजा भाई? अभी ये बंदा पहाड़ पे बाइक मोड़ रहा, इससे बाइक ही नहीं मुड़ी, सीधा ऊपर ले। अभी पहाड़ बंदा एक होता है ना करण, एक वो वाला वो मोड़ थोड़ा था, वो यू टर्न वो पूरा ना थोड़ा शार्प कटता भाई, ये बंदे रास्ते पे जा रहे हैं। इससे बाइक नहीं मुड़ी, सीधा ऊपर ले। अबे मैंने भाई कहा यार रावत था लेके नहीं गया था, इसने घुटना टच कर दिया था ये मोड़। कैसी बनी है भाई चाय? बढ़िया। तो यार मैगी मंगवा ली है, और मैगी वगैरह खा के चलते हैं यहाँ से। तो ठंड बढ़ रही है रोहित, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ठंड बढ़ रही है इस टाइम, ऐसा लग रहा है ना ठंड लग रही है ना। तो मैंने स्वेटर रखा हम लिए, ठंड है रात शाम को, ठंड तो है ना शाम को है ना। अच्छा तो हमारे अंकल जी बता रहे हैं यहाँ पे शाम को काफ़ी ज़्यादा ठंड है। चलो सुबह तो भाई इतनी ज्यादा ठंड थी, 8-9 बजे तो सूरज नहीं बाहर आया था ना। 8-9 बजे तो सूरज भाई बाहर ही नहीं आया हमारी, ठंड इतनी थी ठंड ने सूरज को बुझा दिया था। लेकिन मजा आ गया, अब मैगी वैगी खा के हम चलते हैं यहाँ से, तो मिलता हूँ मैं आपसे। आनंद लिया यार, आराम से रेस्ट किया हमने यहाँ पे बैठ के, और अब जाएंगे सीधा ज्वाला जी यहाँ से। अब सूरज भी ढलने वाला है, अंधेरा बस यहाँ पे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मैच हो जाएगा अंधेरा। चलते हैं, ओके भैया, ओके ओके। और इस टाइम 5 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, अंधेरा भी होने वाला है, बस 15-20 मिनट बाद यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा, और ठंड यहाँ पे भाई बढ़ चुकी है, मेरे हाथ सुलो हो रहे हैं इस टाइम पूरे, बट ठीक है मज़ा आ रहा है। पहुँच जाएंगे आधे एक घंटे में उसके घर, तो घर जाके मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना, उसके घर पहुँचने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके चलो फिर तो। तो भाई ये है मेरा दोस्त जी, ये करते ही भाई ने सब कुछ तो भाई का अपना बिजनेस है, ये सारी दुकानें भाई की। अच्छा भाई ने सीए के बाद शॉप वॉप खोल ली है भाई? दो इसके दोनों इसके ऊपर ले वाले जो। अच्छा क्या अभी नहीं मार्केटिंग मेरी साले दलीप, बताया नहीं तूने सीए के बाद ये खोल लिया? तो भाई ये है मेरा दलीप जिसको बोल रहा है सीए दे समोसे। तो यार फाइनली हम पहुंच गए
और अब थोड़ा यार सामान वामान पैक करते हैं। भाई घर पे आ गए, चाय वाय पीने का मन कर रहा है। चाय फाइनली मेरी बंदी आ चुकी है अब। तेरी बंदी रावत है, रावत कट कर दे, कट कर दे। भाई अभी चाय पीने लगी भाई, है ना, चाय पियेंगे भाई। चाय के साथ यार कुछ भाई, मौसम इतना ठंडा रहा यार, काफी मजा आया यार। ये जो हमारी राइड है ना भाई, चाय वाय पीने की बात हो रही है। आज हमारी बहन का बर्थडे भी है, केक वगैरह भी खाने को मिलेगा। हम जो है हम दिलीप भाई से मिलाने आए थे। क्या वो कैमरा देखते हैं हम ना भूल जाते हैं। भाई वो कैमरा फेस करने की आदत है, कोई बात नहीं। कैमरा वैसे भाई सीए है हमारा, सीए ये सीए है भाई हमारा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रह गई है अच्छे में रहती है। आज तो भाई बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया हमने। सो गाइस आज यार पार्टी वगैरह सारी चीज कर ली, बर्थडे वगैरह भी हमने सेलिब्रेट कर लिया। थोड़ी सी वाट भी लग गई यार, आज काफी ज्यादा लंबी राइड कर ली है और इस टाइम मैं लेटा हुआ हूँ। सो गाइस आज के ब्लॉग में यार इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।